अगस्त को उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना में एक दुखद मोड़ आ गया है। आज सुबह ही जो पीड़ित छात्र देवराज था अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती था, उसका वहाँ इलाज चल रहा था। उसकी बहनें, उसकी चचेरी बहनें भी उसे राखी बांधने के लिए वहाँ पहुँची थी कलेक्टर की अनुमति लेने के बाद। लेकिन दुखद खबर ये मिल रही है कि पीड़ित छात्र देवराज की मृत्यु हो गई है। देवराज के निधन से हर कोई बेहद दुखी है, बेहद गमगीन है। जो देवराज की माँ है वो मांग कर रही हैं कि आरोपी छात्र को फांसी मिलनी चाहिए, तभी देवराज और उनको इंसाफ मिल सकेगा। 16 अगस्त को चाकूबाजी की जिस तरह से घटना उदयपुर में हुई, उसके बाद पूरे ही उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला था। लगातार वहाँ पर जो अप्रिय हालात बने हुए थे उसे देखते हुए इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। जिस अस्पताल में देवराज एडमिट था उस अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। 4 दिन बाद हालात अब सामान्य हो रहे थे, लेकिन इसी बीच देवराज के निधन की खबर से हर कोई बेहद सख्ते में आ गया है। क्या हुआ था पहले हम आपको जरा वो बताते हैं। 16 अगस्त को 10:30 बजे स्कूल के कैंपस में देवराज और आरोपी छात्र के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें आरोपी छात्र ने चाकू से ताबड़तोड़ देवराज पर हमला किया था। घटना का पता जब लगा तो लोग MB हॉस्पिटल का रुख करने लगे थे, जहां पर देवराज को एडमिट कराया गया था। अस्पताल के बाहर बड़ी भीड़ तादाद में भीड़ जमा हो गई थी। हिंदूवादी संगठन के लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे थे और आरोपी के घर को ध्वस्त करने की मांग की गई थी, यानी कि आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, ये मांग की गई थी। ऐसा हुआ भी था, जहाँ आरोपी के घर पर बुलडोजर का एक्शन हम सब ने देखा, वो कार्रवाई हुई। और इसी बीच उग्र भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी और आग लगाती थी। पूरा मामला सांप्रदायिक तनाव की चपेट में आने लगा था, जिसके बाद 24 घंटे के लिए प्रशासन की ओर से इंटरनेट को बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद अगले दिन 17 तारीख को क्या हुआ वो आपको बताते हैं। 12 बजे जिला कलेक्टर ने अगले आदेश तक शहर के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए, जिस तरह से पूरा माहौल जो था वो तनाव की चपेट में आ चुका था। उस तनाव को देखते हुए अगले आदेश तक शहर के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। उदयपुर अस्पताल में भी भारी जो भीड़ है वो जुटने लगी थी और डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम जयपुर से MB अस्पताल पहुंची, जहां पर पीड़ित छात्र को एडमिट कराया गया था चाकूबाजी में घायल हो जाने के बाद। 17 तारीख को 2:15 बजे के आसपास आरोपी के घर पर जो बुलडोजर पहुँचता है, टीम पहुँचती है और उसे अवैध बताते हुए उस पर कार्रवाई शुरू की जाती है, यानी कि उसे घर को ध्वस्त करना शुरू किया जाता है। उसके बाद अगले 2 घंटे बाद करीब 4 बजे के आसपास जो आरोपी था उसे, क्योंकि वो नाबालिग था तो उसे सुधार गृह भेजा जाता है। करीब शाम को 7 बजे के आसपास जो प्रशासन है वो वापस से रविवार को भी नेट बंद करने के आदेश देता है, क्योंकि इस तरह से अफवाहें ना फैले, तनाव और ना बढ़े, इसको देखते हुए नेट इंटरनेट को बंद करने के आदेश, यानी कि नेटबंदी के आदेश दे दिए जाते हैं। 8 बजे उदयपुर IG जो है वो अधिकारियों, जनप्रतिनिधि और बुद्धिजनों से मुलाकात करते हैं और किस तरह से इस तनाव को रोका जाए, तनाव को खत्म किया जाए, शांति वापस कायम की जाए, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर बातचीत हर वर्ग के लोगों से शुरू होती है। उदयपुर में 17 तारीख तक भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए थे। 18 तारीख की बात करते हैं। 18 तारीख को सुबह जो घायल बच्चे की माँ है वो अपने बच्चे घायल बच्चे की माँ अपने बच्चे से मिलने की मांग करती हैं और धरने पर बैठ जाती हैं। कई और संगठन के जो लोग हैं वो उस महिला के साथ, यानी कि घायल बच्चे की माँ के साथ इकट्ठा होना शुरू करते हैं और उनकी मांगों को प्रमुखता के साथ आवाज़ देना शुरू करते हैं। उसके बाद जो SP हैं वो क्लैरिफिकेशन देते हैं कि कोई कन्फ्यूजन हुआ था, बच्चा और बच्चे की जो माँ है वो मिल सकती हैं, यानी कि जो बच्चे की माँ है वो अपने बच्चे को देख सकती हैं। जाहिर तौर पर सोचिए, किसी के कलेजे के टुकड़े को जख्मी हालत में अस्पताल में एडमिट कराया जाए तो उस माँ पर क्या बीत रही होगी। वो तो अपने बच्चे को अपनी आँख के सामने ही रखना चाहेगी, ताकि अपने बच्चे को देख सके और भगवान से प्रार्थना कर सके कि वो ठीक हो जाए। तो 18 अगस्त तक यही चल रहा था। 19 तारीख को, यानी कि आज की सुबह भी, जो घायल छात्र था देवराज, उसकी बहन और
चचेरी बहनें अस्पताल पहुंचते हैं कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था। रक्षाबंधन के त्यौहार में हर बहन की यही कामना होती है कि हर साल राखी के दिन वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सके, उसकी लंबी उम्र की वो कामना करती है, प्रार्थना करती है। और आज इसी प्रार्थना के साथ घायल छात्र देवराज की बहनें भी पहुँचती हैं अस्पताल कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद, उसे राखी बांधती है और उसकी सलामती की दुआ करती हैं। लेकिन देर शाम होते होते ये दुखद खबर आती है कि घायल छात्र देवराज अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बाद देवराज की मां की ओर से इस मांग को और जोर के साथ उठाया जाता है कि आरोपी छात्र को मौत की सजा दी जाए ताकि उनके बेटे को, उनके परिवार को इंसाफ मिल सके। प्रशासन का कहना है कि पूरे घटनाक्रम पर नज़र हमारी बनी हुई है, अफवाहों को ना फैलने दिया जाए, इसके लिए लगातार इंटरनेट पर भी उसे बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आप किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें, किसी के भड़काने पर ना आए और अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में पूरा सहयोग करें। लेकिन जो घटना हुई वो जाहिर तौर पर बेहद दुखद है और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन को भी ये सुनिश्चित करना होगा।